ओ हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। अच्छा, तुम्हारा भाई खेलने जा रहा है कार फॉर सेल। गेम में क्या क्या होता है जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। इसमें एक छोटी सी हमारी डीलरशिप रहेगी जिसका नाम है कार फॉर सेल। भाई गेम का भी नाम यही है और शोरूम का भी नाम यही है। सबसे पहले एक गंदगी हटा देता हूँ, इससे हमें HP मिल रहा है शायद। तो भाई सब कुछ हटा देते हैं एकदम अच्छे से, ये ड्रम भी हटा देते हैं। इधर एक पुरानी सी गाड़ी है ख़राब, इसको भी बेच देते हैं और ये ड्रम भी। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो ये शोरूम के प्लैंक्स को भी हटा देते हैं। ओके, तो गाइस इसको भी हटा दिया, बस शोरूम को खोलना है। अरे बे, ये शोरूम कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं है, सोचा था उससे बहुत ही अच्छा है। भाई ये बहुत सही शोरूम है बे, इधर अपना गद्दा वद्दा दिया है बैठने के लिए, और ये अपना गेट, और ये अपना शानदार सा PC, और इधर कार फॉर सेल। ये कौन सी कार है? और भाई अपन PC पहले देखते हैं क्या है इस PC में। अपने को अपग्रेड में जाना है। ओके, यहाँ पे कार बिकेंगे और शायद यहाँ पे नाम, हाँ ओके, तो हमें पहले इस शोरूम का नाम रखना है अच्छा सा एक। तो अब नाम रखना है, पहले इसका नाम सोचना पड़ेगा एक अच्छा सा। पहले ये नाम कट कर लेते हैं, तो अपने शोरूम का नाम रहने वाला है ये, और ये डन। तो यार आपको ये नाम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो बोल देना, नहीं तो अगर नाम चेंज करना है तो वो भी मैं कर दूंगा, कमेंट में लिख देना। और इसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो ये भी डन। तो यार अपने शोरूम का एक अच्छा सा नाम तो लिख दिया है। अब जाते हैं शोरूम के बाहर। अब अपने पास $7,400 बचे हैं सिर्फ, तो इसको अपने को अच्छे से यूज़ करना। और भाई देखो नाम कितना सही लग रहा है। तो पहले अपन अपने शोरूम को बंद करते हैं और निकलते हैं नेबर रोड। तो यार अभी तो बस से जाना पड़ेगा, कोई नहीं एक दिन इतनी गाड़ियाँ खरीद लेंगी, क्या बोलूँ भाई। बस से भी जाने का $10 लग रहा है, तो पहले नेबर रोड निकलते हैं। ओके, तो फाइनली नेबर रोड भी पहुँच गए। भाई ये जगह तो तगड़ी है। अब इधर कौन सी गाड़ी है? शायद ये BMW है, नहीं ऑडी है। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगी दे रही थी, $75 का दे रही है। तो इधर एक और बंदा, इससे पूछ लेते हैं। अबे $97,000, अबे भगबे तेरी गाड़ी में ऐसी क्या है? चलो इस बार देखते, इसके पास ऑडी है, नहीं BMW है। भाई ये कितने की दे रहा है? ये 7,000, लेकिन उतना पैसा नहीं है, पूरा लूट जाएंगे अगर ये खरीदे तो। यार इधर भी एक गाड़ी थी, ये शायद ले सकते हैं, ये 2,000 की दे रही है इसमें। हाँ ये ले लेते हैं, बाय। हो गया, फाइनली फाइनली एक तो गाड़ी कम से कम आई अपनी डीलरशिप पे। इसको अपन लेके जाते हैं। अब बारी आई गाड़ी चलाने की। अब इसके भाई पहले इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करते अब भगाएंगे। भाई ये गाड़ी तो अच्छे से चलाऊंगा पहले, उसके बाद बेचूंगा। भाई भाई इतना भी, अरे अरे पीठ तो अच्छा है इस गाड़ी की, बाकी पता नहीं, हमने को तो बस बेचने का और पैसे कमाने का। तो पहले अपन फटाक से डीलरशिप पे आप लोग से मिलते। ओके, तो गाइस अपन डीलरशिप भी पहुंच गए। पहले इसको अच्छे से पार्किंग कर देते एक नंबर। भाई इसके ब्रेक्स भी बहुत अच्छे है, तो अभी इतने पैसे तो नहीं है जो अपन अच्छे से रिपेयर करा सकते। तो अब जाते अपने शोरूम के अंदर। भाई अब इसको इतना बड़ा शोरूम बनाना है ना बस, कि बस तुम लोग देखते रहो। अब जाएंगे अपन अपने PC पे और इसको लगा देंगे सेलिंग पे। सेलिंग प्राइस ओके, तो ये सब हो गया। ये गाड़ी मिली है $2,135। तो इसको कम से कम, वे हमने कुछ खर्चा तो नहीं किया इस पे, तो इसको मिनिमम अपने को बेचना है $3,500। ओके, इतनी काफ़ी है, अगर बिक गई तो सही, नहीं तो कम करना पड़ेगा। तो अरे भाई कस्टमर आने भी लग गए इतने जल्दी। रुको देखते ये कितना दे रहा है। अबे ये तो पूरी दे रहा है सेल। अबे बिक गई, अबे इतनी जल्दी बिक भी गई।
तो यार चलो, रात भी हो गई है, अब जाते हैं शोरूम को बंद करके अपने कंटेनर में सोने के लिए। ओके, तो गाइस हम लोग कंटेनर में पहुंच गए। और भाई ये कैसा कंटेनर है बे, इतनी गंदी हालत। अबे इतनी गंदी कंटेनर में रहना पड़ेगा बे, तभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट अपने कमाया है, 1366 डॉलर का। तो नेक्स्ट डे करते पहले। तो यार मैं सोच रहा हूँ नेवर रूट इधर से ज़्यादा दूर नहीं, अपने कंटेनर को बंद करके निकल लेते हैं, क्योंकि भाई इधर से जाने के लिए 10 डॉलर लगते हैं, नेवर रूट बाजू में ही है, उधर पहले पहुँचते। तो यार इधर एक ऑडी पड़ी है, तो यार इससे बार्गेनिंग वगैरह करके देखेंगे कि ये गाड़ी अगर मिल गई तो सही हो जाएगा, देखते कितने बेच रहा है। तो यार ये 8,000 में बेच रहा है, ये अच्छा मौका है, ले सकते। तो यार ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है और अच्छी लग रही भी है, क्या ले लूँ क्या नहीं। तो चलो यार दूसरे जगह पहले जाके देखते हैं, उसके बाद इधर आके देखेंगे। तो यार ये आदमी भी शायद दे रहा है अच्छा, लेकिन 2,000 में। ये गाड़ी मेरे को इतनी पसंद भी नहीं है, तो अपन दूसरे जगह जाते हैं। तो यार इधर भी एक अच्छी सी गाड़ी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही महंगी दे सकती है, BMW है। और भाई ये 8,500 डॉलर की है, तो ये ले लेते। ओके, तो यार ये गाड़ी भी अपन को मिल गई है, इसको भी स्टार्ट करते और अपने शोरूम पे लेके जाते। अबे इस गाड़ी की खाली आवाज़ सुनो भी, क्या सही आवाज़ है इस गाड़ी की। अब स्पीड भी इसका चेक करेंगे भाई, ये डायरेक्ट 85-84 लेके जाती है ये गाड़ी। ऑल राइट, अपन शोरूम पे पहुंच गए। अबे ये कूड़ा कौन फेंक देता है यार शोरूम के आगे, लगता है अभी से ही बंदे लोग जलने लगे मेरे से, कि बड़ा डीलरशिप कर लेगा बंदा। खैर गाइस, इन जलने वालों को जलने दो, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करो। लेकिन भाई लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना, और इन लोग को तो मैं ही देख लूँगा, CCTV कैमरा लगाऊंगा, अगर मिल गए डंडे से मारूंगा एक एक को पकड़ पकड़ के। सबसे पहले अपने ये कार को बेचते, सेलिंग पे लगा देते, नहीं तो पंगा हो जाएगा। 8,500 के लिए तो अपन डायरेक्ट लगा देंगे 10,000। ओके, तो गाइस एक कस्टमर आया, देखते ये कितना में ले रही है। तो यार मैंने उसका ज़रा प्राइस भी कम कर दिया। अरे आंटी जी रुक जाओ, इतना घूमने का ज़रूरत नहीं है यार, वो गाड़ी बहुत ही अच्छी है। यार आंटी जी रुक गई, देखते कितने में दे रही है। अबे बेच दी, चलो भाई। और भाई अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया, दुकान को बंद कर, सॉरी डीलरशिप को बंद करो, निकलो। और अपने डीलरशिप के आगे बहुत सही सही जगह है बे, लगता है ये मॉडिफाइड की जगह है, तो कराएंगे गाड़ी भी मॉडिफाइड करा लेंगे। तो यार मैं कार मार्केट आया था, और इधर एक मुझे गाड़ी दिख रही है अच्छी खासी, लेकिन भाई अरे भाई सस्ती है, चलो ये ख़रीद लेते, ये गाड़ी भी अच्छी है। एक सेकेंड बाय। ओके, तो ये गाड़ी भी हमारी हुई। अरे भाई निकली गाड़ी, क्या क्या लग रही है बे। ओके, तो गाइस मैं अपनी गाड़ी को लेके अपनी डीलरशिप पे आ गया, और भाई आते इसको डैमेज कर दिया यार मैंने, तो इसको पहले सेलिंग पे लगा देते। चलो शोरूम खोलो, चलो यार फिर इसको अब सेलिंग पे लगा देते। ये है गाड़ी का नाम है ऑडी Q7, तो ये गाड़ी को महंगी बेचना है, तो इसको 10,000 डायरेक्ट लगा देते यार, तभी तो मैंने कम कर दिया, लेकिन इस बार कम नहीं करूँगा मैं, कुछ भी हो जाए। जब तक कस्टमर आ रहा है तब तक आपको शोरूम का टूर दे देते। इधर बेस्ट कार फॉर सेल का बैनर लगाया हुआ है, और भाई इधर ज़रा बैठने के लिए, चिल मारने के लिए, जब बंदे लोग बड़े बड़े गाड़ी का डील लेके आए तो इधर बैठ के डील करेंगे। और भाई इधर एक बंदा भी आ गया, देखते ये कितने में क्या दे रहा है। अरे भाई सब लोग घूमते क्यों भाई, अच्छी गाड़ी है बे। अबे ये अच्छा भाव दिया, चलो कोई बात नहीं। तो यार इधर रात का हो जाती है, पता ही नहीं चलता गाड़ी बेचू रात हो जाती है। तो यार बहुत काम कर लिया, शोरूम बंद करके कंटेनर निकल लेते अब। और भाई अब जाके सो जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि भाई आज अच्छा खासा अपन ने प्रॉफिट कमा लिया है। यार मैं शोरूम में आया था, और भाई वापस से इधर कोई कचरा फेंक के चला गया है यार। खैर गाइस कोई बात नहीं, तो आज की इस वाली गेम प्ले में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना।